धनबाद में नीति आयोग भारत सरकार के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कोयला उत्पादन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोयला उत्पादन में वृद्धि से भारत आत्मनिर्भर होगा, दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुबह एक दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे थे। उन्होंने बरवड्डा हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मुनिडी स्थित भूमिगत आग खदान का निरीक्षण किया, लेकिन खदान में जाने से पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार को BCCL के कर्मियों के द्वारा जूता पहनाते एक तस्वीर वायरल हुआ है, जिसमें एक कर्मी उपाध्यक्ष को जूता पहनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा जी, थोड़ा इधर वहीं इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके दौरे का उद्देश्य झरिया की कोयला खदानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है। उन्होंने भूमिगत आग को कम कर अधिक कोयला उत्पादन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट देंगे, देश की अन्य खदानों की भी क्षमता बढ़ेगी। झरिया पुनर्वास के बाबत उन्होंने कहा कि उन्होंने आज ये जानने की भी प्रयास किया कि लोग अग्नि प्रभावित इलाकों से हट क्यों नहीं रहे हैं। पुनर्वास किए जाने वाले लोगों के रोजगार को लेकर भी BCCL और धनबाद जिला प्रशासन से बात की। आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दिए जाने को लेकर भी गंभीर मामला बताया है। कोयले की खदान के बारे में समझने के लिए आए, कैसे होती है, क्या होता है, क्या इसकी क्या इशू है, क्या हम लोग कर सकते हैं। खासतौर से जो हुए भी झरिया का जो सारा क्षेत्र है, उसका उसको कैसे किया जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए कि उसका एजुकेशन ठीक से सुचारू रूप से हो और वहाँ पे जो काम लगी है उनसे वो जो है वो भी हिंदू है और साथ में क्योंकि कोयले की माइनिंग के बारे में रुचि है तो उसकी समझने की कोशिश कर हरी योजना तो बनी थी। हमारी उम्मीद है हम जो अपनी कमेटी से जो रिकमेंडेशन देंगे उसमें घरेलू उत्पादन कोयले का बहुत तेजी से बढ़ेगा और लोगों को इंसेंटिव मिलेगा कि इतना कोयला का और बाकी जो हमारी माइंड उनका जो उत्पादन बढ़ेगा और हमारा आयात कम होगा। सर, कोयला प्रोडक्शन में जो समस्या जो जरिया विस्थापन सर उसके लिए क्या किसी को समझने आए किसी को समझने आए समझने। उसके बाद उन्होंने झरिया के कई खदानों का भी दौरा किया।